नमस्कार इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं बबीता। तो आज तीन जिलों के दौरे पर रहने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो आज तीन जिलों के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो सीएम का गोरखपुर, महाराजगंज और वाराणसी का दौरा रहेगा। तो बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण भी किया जाएगा और स्थलीय निरीक्षण भी होगा। तो बाढ़ पीड़ितों से वो मुलाकात भी करेंगे। तो सीएम योगी पीड़ितों को राहत सामग्री भी बांटेंगे। तो आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार तीन दिनों से हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। जिन जिन इलाकों में बाढ़ आई हुई है उन बाढ़ग्रस्त इलाकों का सर्वेक्षण किया जा रहा है, हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। इसी के साथ ही स्थलीय सर्वेक्षण भी किया जा रहा है। साथ ही साथ वो बाढ़ग्रस्त जो लोग हैं उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं, राहत सामग्री भी बांटी जा रही है। तो वहीं आपकी बड़ी खबर आपको बता दें कि आज तीन जिलों के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कल पांच जिलों के दौरे पर थे और आज तीन जिलों के दौरे पर रहने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो सीएम का गोरखपुर, महाराजगंज और वाराणसी का दौरा है आज। तो बाढ़ग्रस्त इलाकों का भी दौरा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बाढ़ग्रस्त जो इलाके हैं उसका हवाई सर्वेक्षण करने के साथ ही स्थलीय निरीक्षण भी किया जाएगा। साथ ही साथ बाढ़ पीड़ितों से भी वो मुलाकात करेंगे, फिर उन्हें पीड़ितों को राहत सामग्री बांटेंगे। इसी के साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें, जो राहत कैंप है वहां का भी निरीक्षण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ कि कैंप में क्या कुछ सुविधाएं दी जा रही है, कितने लोग हैं, तो उन सभी से मुलाकात करेंगे। तो आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आज तीन जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो साथ ही साथ स्थलीय निरीक्षण भी करने वाले हैं। तो आज तीन जिलों के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर, महाराजगंज और वाराणसी ये तीन जिले होंगे जहां का वो दौरा करने वाले हैं। तो बाढ़ग्रस्त इलाकों का भी दौरा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो बाढ़ग्रस्त जो इलाके हैं उनका हवाई सर्वेक्षण करने के साथ ही स्थलीय निरीक्षण भी किया जाएगा। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ब्रिजेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो ब्रिजेश, क्योंकि लगातार जो है सीएम योगी आदित्यनाथ दौरे कर रहे हैं, तो आज तीन जिलों के दौरे पर है सीएम योगी। ब्रजेश, आप तक हमारी आवाज आ पा रही है? तो आज तीन जिलों के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो लगातार उनके दौरे चल रहे हैं। तो बाढ़ग्रस्त इलाकों का लगातार वो दौरा कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि आज तीन जिलों का वो दौरा करने वाले हैं। इससे पहले जो है कल, अगर कल की बात की जाए तो पांच जिलों का उनका दौरा था, इससे पहले बुधवार के दिन उनका पांच जिलों का ही दौरा था। तो आज तीन जिलों के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अभिषेक, लगातार दौरे कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो आज तीन जिलों के दौरे पर है सीएम योगी। तो आज तीन जिलों के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम का गोरखपुर, महाराजगंज और वाराणसी का दौरा है। तो लगातार जो है सितंबर में कहा जा रहा था कि बारिश का समय होता है, लेकिन इस बार अक्टूबर में बारिश के आने से, वो भी भारी बारिश के आने से, यूपी के कई ऐसे इलाके हैं, कई ऐसे जिले हैं जिनको भारी नुकसान हुआ है, जहां पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। तो आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार उन बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अभिषेक, लगातार दौरे कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो आज तीन जिलों के दौरे पर है सीएम योगी। जी, आज गोरखपुर समेत वाराणसी के तीन जिलों के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। और वाराणसी में जो उनका कार्यक्रम है वो दोपहर बाद का है। गोरखपुर और आसपास के इलाकों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के बाद वो वाराणसी पहुंचेंगे और यहाँ पर सारनाथ के बुद्धा थीम पार्क में एक एनजीओ द्वारा संचालित एक कार्यक्रम है, जहाँ पर पीएम मोदी के जीवनी के ऊपर में, जो राजनीतिक उनका जीवन है 20 साल का, उस पर एक किताब लिखी गई है। उस किताब का पुस्तक विमोचन करेंगे। उसके बाद फिर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में एक कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उनके साथ में जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, वो भी आज शहर में है और कहीं ना कहीं जो पीएम मोदी से जुड़ी हुई किताब है उसकी पुस्तक का लॉन्चिंग है। इससे पूर्व में भी एक बार सीएम आ चुके थे और पीएम मोदी के ऊपर में जो किताब है उसकी पुस्तक लॉन्चिंग में वो यहाँ पे शामिल हुए थे। ये राजस्थान की एक संस्था है और राजस्थान की संस्था के द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम है, उसी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आ रहे हैं सीएम योगी और साथ में आनंदीबेन पटेल भी होंगी।
जी क्योंकि अभिषेक, क्योंकि कल भी 5 जिलों का दौरा होने वाला था जिसमें गोरखपुर और महाराजगंज भी शामिल थे, तो क्या कहा जाए कल जो है गोरखपुर का दौरा नहीं कर पाए हैं इसलिए आज गोरखपुर का दौरा किया जा रहा है? निश्चित तौर पे देखिए, कल वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के क्षेत्रों में इलाकों में थे, वहाँ का हवाई सर्वेक्षण किया था, मीटिंग की थी, उसके बाद फिर वो कल देर शाम जो है वो गोरखपुर पहुंचे थे और गोरखपुर पहुंचने के बाद आज गोरखपुर और महाराजगंज दो जगहों का उनका दौरा प्रस्तावित है। वहां पे दौरा करने के बाद वो वाराणसी आएंगे, यानी कि उनका जो कार्यक्रम अगर सीएम का देखा जाए तो रोज उनका किसी न किसी जिले में दौरा रहता है और वहां पे जाकर के जो जमीनी हकीकत है उसको वो देखते हैं और उसको अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हैं। वाराणसी की अगर बात करें तो वाराणसी में ये उनका 101वां दौरा है, कुल 67 महीनों का कार्यकाल उनका रहा है और 67 महीनों के कार्यकाल में ये 101वां दौरा है कि वाराणसी उनके हमेशा प्राथमिकता में रहा है और वाराणसी को लेकर के वो बहुत ही उनका दौरा अभी 3 दिन पूर्व भी वो जब अमित शाह आए थे जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उस समय भी वो वाराणसी आए थे 3 दिन पूर्व ही और 3 दिनों के बाद ही फिर वाराणसी में दौरा लगा है। तो अभिषेक, अगर मिनट टू मिनट अगर कार्यक्रम की बात कही जाए तो कैसे कैसे कार्यक्रम रहने वाले हैं, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे तो गोरखपुर में सबसे पहले वो गोरखपुर का दौरा करने वाले हैं, अगर गोरखपुर का उनका दौरा रहेगा तो किस समय जो है वो गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे? वो इस वक्त गोरखपुर में है और गोरखपुर के से ही वो महाराजगंज जाएंगे और वहां महाराजगंज के बाद वाराणसी आएंगे। अगर उनके कार्यक्रम की बात की जाए तो दोपहर के बाद बनारस पहुंचेंगे और दोपहर बाद बनारस पहुंचने के बाद यहाँ पे जो दो कार्यक्रम है निजी एनजीओ के द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम है उन्हीं कार्यक्रम में शिरकत लेने के बाद वो फिर वापस लखनऊ के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। जी तो हमारे एक और संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, ब्रिजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रिजेश, आज 3 जिलों का दौरा करने वाले हैं सीएम योगी। देखिए, महाराजगंज जनपद में सबसे पहले गोरखपुर से निकलने के बाद योगी आदित्यनाथ महाराजगंज जनपद के धानी में पहुंचेंगे और धानी में वो बाढ़ प्रभावित लोगों से भेंट करेंगे और उसके बाद उन्हें राहत सामग्री का वितरण करेंगे। इसके बाद मीडिया ब्रीफिंग करेंगे और मीडिया ब्रीफिंग के बाद तुरंत हेलीकॉप्टर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के कैंपियरगंज में पहुंचेंगे और इसके बाद फिर वो आगे के कार्यक्रम के लिए बनारस और अन्य जगहों पर रवाना होंगे। तो गोरख महाराजगंज जनपद से योगी आदित्यनाथ का बेहद लगाव रहा है और आपको बताऊं कि बाढ़ की स्थिति रही हो या जब भी कोई इस तरह की स्थिति रहती है तो तत्काल योगी आदित्यनाथ महाराजगंज जनपद के लिए तत्पर रहते हैं और इसी क्रम में वो महाराजगंज जनपद में जो प्रभावित हुए हैं इलाके जहां पे जल जमाव की स्थिति है उसका हवाई सर्वेक्षण भी करेंगे और लोगों से बात भी करेंगे। जी तो अगर महाराजगंज की बात की जाए ब्रिजेश, तो किन किन इलाकों का आज महाराजगंज में वो सर्वेक्षण करने वाले हैं? देखिए, सर्वेक्षण की बात करूं तो महाराजगंज जनपद की प्रमुख नदियां रोहिन और राप्ती जो नेपाल से निकल करके आती हैं और गोरखपुर के रास्ते आगे बढ़ती है, उन इलाकों में जो बंधे बने हुए हैं उन बंधों पर दबाव बढ़ा है क्योंकि खतरे के निशान से ये नदियां ऊपर बह रही हैं और इसके अलावा 600% अधिक वर्षा जनपद में होने की वजह से जो लो लैंड एरिया है उस जगहों पर जल जमाव की स्थिति है। कहीं कहीं जल जमाव की स्थिति इतनी भयावह है कि गांव से लोगों का निकलना मुश्किल है। इस भयावहता को देखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का दौरा है, हवाई सर्वेक्षण है और वो थानी, ब्रिजमनगंज, फरिंदा और पुरंदरपुर का जो इलाका है, इसके अलावा जो सदर का इलाका है जहाँ से रोहिन नदी बहती है, इन सब इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद वो धानी में उतरेंगे और जो बाढ़ से प्रभावित लोग हैं, बाढ़ तो इसको नहीं कह सकते हैं लेकिन जल जमाव से और जो बंधों पे बैनी नजर सिंचाई विभाग के द्वारा बनाया गया है उसकी वजह से जो प्रभावित हुए हैं उन लोगों से भेंट करेंगे और जो राहत सामग्री बांटने का काम करेंगे। जी अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि बाढ़ पीड़ितों से भी आज उनकी मुलाकात होने वाली, तो किस समय वो मुलाकात करेंगे और क्योंकि बाकी कार्यक्रमों के बारे में भी आपने हमें डिटेल में बताया तो पहले वो बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करेंगे उसके बाद बाकी कार्यक्रम रहने वाले हैं। देखी जाए तो और अगर बनारस क्षेत्र की बात की जाए तो बनारस में जैसे तीसरी बार इसमें गंगा का जो जलस्तर है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है और हर बार जब भी गंगा का जलस्तर बढ़ता है या नदी का जलस्तर बढ़ता है तो वो खुद से मौका मुआयना करने के लिए और मौके पर देखने के लिए, लोगों से मिलने के लिए, राहत सामग्री बांटने के लिए वो खुद भी आते हैं और खास करके गोरखपुर से लेकर बनारस तक ये जो पूरा पूर्वांचल का इलाका है, इस इलाके में उनकी सक्रियता विशेष तौर पर रहती है, उनकी कर्मस्थली भी रही है, सांसद रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो उनकी प्राथमिकताओं में रहा है। गोरखपुर
महाराजगंज, कैंपियरगंज, इन जो इलाकों में जो बताया, जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि नेपाल से पानी ज्यादा आने की वजह से लगातार जो बंधे और नदियां हैं वो अपने ओवरफ्लो कर रहे हैं और बाढ़ का प्रभाव का क्षेत्र जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, लोगों की दिक्कतें बढ़ती जा रही है। तो वहां पे वितरण ग्राहक वितरण करने के बाद, लोगों से मिलने के बाद वो वाराणसी आएंगे और वाराणसी के जो अलग अलग कार्यक्रम, दो जगहों पर उनका कार्यक्रम आज निर्धारित है, उन कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद फिर वो वापस लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इन तमाम जानकारी के लिए। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो गोरखपुर पहुंचने के बाद सबसे पहले योगी आदित्यनाथ जो है गोरखनाथ मंदिर पहुंचे हैं, तो यहां उन्होंने महायोगी गुरु गोरखनाथ का पूजन अर्चना की, तो साथ ही अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ की समाधि पर उन्होंने मत्था टेका, उनका आशीर्वाद लिया। तो वहीं आज उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में राम कथा ज्ञान यज्ञ कार्यक्रम में हिस्सा भी लिया है। तो गोरखपुर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो गोरखपुर पहुंचने के बाद सबसे पहले योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर पहुंचे, तो यहां उन्होंने महायोगी गुरु गोरखनाथ का पूजन अर्चना की है, साथ ही अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ की समाधि पर उन्होंने मत्था टेका, उनका आशीर्वाद लिया। तो उसके बाद आज उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में राम कथा ज्ञान यज्ञ कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। तो आपको गोरखपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं। तो मंदिर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गोरखनाथ मंदिर की। तो महायोगी गुरु गोरखनाथ का सीएम ने पूजा अर्चना की है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ की समाधि पर उन्होंने मत्था भी टेका, उनका आशीर्वाद लिया है। तो वहीं आज वो उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में राम कथा ज्ञान यज्ञ कार्यक्रम में हिस्सा भी लिया। तो गोरखपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर पहुंचे, उसके बाद उन्होंने अपने गुरु का जो है आशीर्वाद लिया, उनके समाधि पर मत्था टेका। तो वहीं आज चंडीगढ़ दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज चंडीगढ़ दौरे पर रहने वाले हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। तो शाम 6 बजे माना एयरपोर्ट से चंडीगढ़ के लिए वो रवाना हो जाएंगे। तो होटल ताज में रात्रि विश्राम भी करेंगे सीएम भूपेश। तो बड़ी खबर आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं। तो आज चंडीगढ़ दौरे पर रहने वाले हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, तो शाम 6 बजे माना एयरपोर्ट से चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे। तो साथ ही होटल ताज में आज रात्रि विश्राम भी करेंगे। तो काफी खास ये चंडीगढ़ का दौरा बताया जा रहा है उनका। तो आज चंडीगढ़ दौरे पर रहने वाले हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, तो शाम 6 बजे माना एयरपोर्ट से चंडीगढ़ के लिए वो रवाना हो जाएंगे, फिर होटल ताज में रात्रि विश्राम करेंगे। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं से भी वो मुलाकात करेंगे। तो चंडीगढ़ के दौरे पर आज वो रहने वाले हैं, इसी के साथ ही उनके आगमन को लेकर काफी ज्यादा उत्साह कार्यकर्ताओं के बीच में देखा जा रहा है, तैयारियां काफी जोरों शोरों से चल रही है। तो आज चंडीगढ़ दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, तो शाम 6 बजे माना एयरपोर्ट से चंडीगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे, साथ ही आज उनका होटल ताज में रात्रि विश्राम भी रहेगा। तो काफी खास ये दौरा बताया जा रहा है, इसी के साथ ही पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। तो उनके आगमन को लेकर काफी ज्यादा कार्यकर्ता उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो आज चंडीगढ़ के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो मनोज, आज चंडीगढ़ दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कितना खास ये दौरा? जी आपको बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जयपुर विधानसभा से लौटकर रायपुर पहुंचे। रायपुर पहुंचने पर मीडिया से चर्चा के दौरान भाजपा पर जमकर बरसे। उन्होंने आरोप लगाया भाजपा पर कि हमको काम नहीं किया देना जा रहे हैं ये लोग। और यहाँ पे उन्होंने मुख्यमंत्री रमन सिंह के ऊपर गंभीर आरोप लगाए। आपसे जानना चाहेंगे, वो चंडीगढ़ पहुंच गए हैं? नहीं, चंडीगढ़ के लिए अभी उन्होंने रवाना नहीं हुआ है। अच्छा, तो कितने बजे तक वो चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे, क्योंकि आज उनका चंडीगढ़ दौरा है? तो क्या कुछ खास रहने वाला है इस दौरे के दौरान?
चंडीगढ़ दौरे के दौरान वो हिमाचल प्रदेश भी जाएंगे। तो इसी बीच क्या कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ भी उनकी मीटिंग रहने वाली है, क्या कुछ कार्यक्रम को लेकर जो है तैयारियां की जा रही है, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है कार्यक्रम को लेकर? जी जी जी, काफी व्यस्त कार्यक्रम है। चंडीगढ़ से वो हिमाचल प्रदेश जाएंगे, हिमाचल प्रदेश से वहाँ पे संगठनों से मुलाकात करेंगे कई लोगों से, और कई कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो आज चंडीगढ़ दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, तो शाम 6 बजे माना एयरपोर्ट से चंडीगढ़ के लिए वो रवाना हो जाएंगे। साथ ही आज होटल ताज में उनकी रात्रि विश्राम भी रहने वाली है। कहा जा रहा है कि चंडीगढ़ का दौरा काफी ज्यादा खास है। रुक करेंगे उत्तराखंड का, तो उत्तराखंड के 4 दिवसीय दौरे पर कैलाश विजयवर्गीय रहने वाले हैं। तो उत्तराखंड के 4 दिवसीय दौरे पर कैलाश विजयवर्गीय रहने वाले हैं। तो आज उत्तराखंड आएंगे बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय। तो सीएम, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर मंत्री और विधायक और सांसदों से भी वो मुलाकात करेंगे, चर्चा होने वाली है, काफी खास ये चर्चा बताई जा रही है। तो 4 दिवसीय दौरे पर संगठन की नब्स को टटोला जाएगा। तो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर संगठन के पदाधिकारियों को दिशा निर्देश भी देंगे वो। तो आज हल्द्वानी पहुंचेंगे कैलाश विजयवर्गीय। तो 15 अक्टूबर को हरिद्वार में रात्रि विश्राम भी होगा। तो मिनट टू मिनट क्या कार्यक्रम रहने वाला है उनका वो आपको बता रहे हैं। तो आज हल्द्वानी भी पहुंचेंगे कैलाश विजयवर्गीय। तो 15 अक्टूबर को हरिद्वार में उनका रात्रि विश्राम होगा। वहीं अगर 16 अक्टूबर की बात की जाए तो 16 अक्टूबर को देहरादून पहुंचेंगे कैलाश विजयवर्गीय। तो मिशन 2024 को लेकर जो है बीजेपी की तैयारियां तेज हो गई है, दौरे तेज हो गए हैं। तो आपको बता दें कि बड़ी खबर उत्तराखंड से आपको बता रहे हैं कि उत्तराखंड के 4 दिवसीय दौरे पर रहेंगे कैलाश विजयवर्गीय। तो आज उत्तराखंड आएंगे बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा जुड़ गए हैं। अभय, लगातार बीजेपी के जो बड़े नेता है उनका दौरा चल रहा है उत्तराखंड में। जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि बीजेपी है पूरी तरीके से चुनावी मोड में यहाँ पर नजर आ रही है, और यही वजह है कि सीधे तौर पर चुनाव के लिहाज से पार्टी संगठन मजबूत हो सके, संगठन के जो कार्यक्रम है वो आम जनता तक पहुंच सके ताकि आम जनता उन कार्यक्रमों से जुड़ सके। उसके लिहाज से जो वरिष्ठ नेता है पार्टी की, जो राष्ट्रीय पदाधिकारी, उनके लगातार दौरे उत्तराखंड में हो रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड से जिस प्रकार से कितने बजे तक कैलाश विजयवर्गीय पहुंच जाएंगे उत्तराखंड? जी बिल्कुल, 4 दिवसीय दौरे पर आज बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय उत्तराखंड के दौरे पर है, जिसमें आज वो हल्द्वानी में यहाँ पर पहुंचेंगे। दोपहर बाद उनका पहुंचने का कार्यक्रम है, और सबसे बड़ी बात है कि इस दौरान वो बूथ लेवल से लेकर राष्ट्रीय प्रदेश पदाधिकारियों तक की बैठक यहाँ पर करेंगे, आम जो जनता है उनसे भी बातचीत करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि पार्टी के किसी एक राष्ट्र कार्यकर्ता के घर पर जाकर खाना खाएंगे, यानी एक बार फिर वही खाने की जो पॉलिटिक्स है कि सभी लोग एकजुटता के साथ बीजेपी पर भरोसा कर सके, उन सब चीजों की कोशिश यहाँ पर रहेगी। कैलाश विजयवर्गीय जानते हैं कि उत्तराखंड में किस प्रकार से माहौल यहाँ पर बदलता है, उसका असर उत्तराखंड के साथ साथ जो हिमालयी जो राज्यों में उसमें देखने को मिलता है। तो ऐसे में यहाँ से बड़ा संगठन को बड़ी जीत यहाँ से मिल सके। क्योंकि आपने बताया है कार्यकर्ता के घर पे वो खाना खाने वाले हैं, क्योंकि जो भोजन की पॉलिटिक्स है वो हम सभी ने देखी है, उसमें जाति को साधने की कोशिश की जाती है। तो क्या कहा जाए, जाति को साधने की कोशिश की जाएगी इस दौरान भी? जी बिल्कुल, अभी तक एक कार्यक्रम यहाँ पर निर्धारित हुआ है, पार्टी के किसी ओबीसी कार्यकर्ता के घर पर जाके खाना खाएंगे, अनुसूचित मोर्चा के घर पर जाके खाना खाएंगे, ये तय नहीं हो पाए, लेकिन इतना जरूर है कि वो अपने इस 4 दिवसीय प्रवास के दौरान पूरी तरीके से पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, बूथ लेवल को मजबूत करेंगे, और पार्टी के ही किसी कार्यकर्ता के घर पर खाना खाने जाएंगे। तो जितना भी उनका कार्यक्रम यहाँ पर आए उसमें ये तो निर्धारित है कि वो किसी के घर पर जाकर खाना जरूर यहाँ पर खाएंगे, और फिर से वही राजनीति यहाँ पर शुरू करेंगे जिसकी शुरुआत पूर्व में केंद्रीय गृह पूर्व में जो पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं तत्काल अभी वर्तमान में जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उनके द्वारा की गई थी। बिल्कुल, क्योंकि अब बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री आ रहे हैं, तो क्या कहा जाए, कितनी बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने है जो राष्ट्रीय महामंत्री अब दौरा कर रहे हैं?
टिपिकल जिस प्रकार से उत्तराखंड में माहौल इस समय सियासी माहौल इस समय बन रहा है, जो सरकार के लगातार विभिन्न फैसलों के चलते जो यहाँ पर कह सकते हैं कि कई ऐसे घटनाक्रम प्रदेश में घटे हैं जो सरकार के लिए बड़े चुनौती रहे हैं, तो ऐसे में पार्टी का कार्यकर्ता जो हतोत्साहित हुआ उसको वापस ऊर्जावान बनाने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री का दौरा, और उसमें सभी लोगों को एक साथ यानी मिशन 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है उसमें सभी लोग एकजुटता के साथ जुड़ सके ऐसी कोशिश यहां से की जाएगी। राष्ट्रीय महामंत्री का दौरा है तो सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि उत्तराखंड का बीजेपी का जो प्रदेश संगठन है इस दौरे को सफल बनाने की तैयारियों में जुटा हुआ है, पूरी तैयारियां हो चुकी है। ऐसे में सिर्फ यही एक चीज के यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि जब कैलाश विजयवर्गीय आएंगे तो किस प्रकार से कार्यकर्ताओं का जो हौसला अफजाई है वो यहाँ पर करते हैं, ताकि समय को लेकर कोई जानकारी मिल पाई है कब तक पहुंचेंगे वो। देखिए दोपहर बाद का समय यहाँ पर उनका निर्धारित हो पाया है कि दोपहर बाद लगभग 1 बजे के करीब वो हल्द्वानी में यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद अपने जो कार्यक्रम उनके संगठन के जो रखे गए हैं उन संगठन के कार्यक्रमों में बातचीत उन संगठन कार्यक्रमों में हिस्सा यहाँ पर लेंगे, एक बैठक भी यहाँ पर करेंगे। तो कहा जा सकता है कि अभी फिलहाल पहले दिन का कार्यक्रम जारी हुआ, उसके बाद आने वाले 3 दिन के कार्यक्रमों में इसी प्रकार से बैठकें यहाँ पर करेंगे, विभिन्न बैठकें जो पार्टी संगठन से जुड़ी होगी और उनके द्वारा दिशा निर्देश यहाँ पर दिए जाएंगे ताकि 24 का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को पाया जा सके। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अभय आपका इन तमाम जानकारी के लिए। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।